पुष्पा 2 मूवी का रिलीज होने में मात्र 2 दिन बाकी है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी क्या है। जहाँ पे इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ने तो बॉक्स ऑफिस लग रहा है अभी से फाड़ना चालू कर दिया, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2, कल्कि जैसी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया एडवांस बुकिंग में। लेकिन आज बात करने वाले इस फिल्म की पूरी कहानी क्या है। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार जो है वो पहले पुष्पा को फिल्म नहीं एक वेब सीरीज बनाने वाले थे, लेकिन पता नहीं उसका दिमाग किस तरह से घुमा वो फिल्म बना दिया और अल्लू अर्जुन का करियर ही बना दिया है। जो कि अल्लू अर्जुन जो है इस फिल्म के पुष्पा कैरेक्टर वो अभी सुकुमार की पहली पसंद नहीं थे, पहला पसंद था महेश बाबू पुष्पा के कैरेक्टर के लिए। लेकिन महेश बाबू ने इस रोल को ठुकरा दिया, जो कि बाद में वो अल्लू अर्जुन के पास गया और अल्लू अर्जुन सुकुमार के साथ पहले भी आर्या 2 जैसी फिल्म में एक साथ काम कर चुके हैं, जो कि वह दोनों फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो अल्लू अर्जुन के साथ ये तीसरी ब्लॉकबस्टर थी और चौथी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली पुष्पा पार्ट 2, जिस तरह से उसका हाइप है। जहाँ तक इस वीडियो में हम पुष्पा की कहानी की बात करेंगे, तो पुष्पा की जो कहानी है, पुष्पा जो है वह बचपन से अनाथ नहीं रहता, उसका जो माँ रहता है वह किसी के यहाँ काम करती है, तो उसका जो मालिक रहता है उसके साथ वह पुष्पा पैदा हो जाता है। तो अल्लू अर्जुन को पूरा समाज में कोई इज्जत नहीं मिलता है, तो सारा जगह तो उसको खुद का ब्रांड बना रहता है, तो वह एक मजदूर रहता है लेकिन उसको इज्जत चाहिए। तो जहाँ भी उसको इज्जत नहीं मिलता वह काम छोड़ देता है। तो किसी तरह वह चंदन के लकड़ी के धंधा में घुस जाता है, उसके बाद वह कोंडा रेड्डी के गैंग से मिलता है, वहाँ पर अपना दिमाग चलाता है, वहाँ वह धीरे धीरे वह उसके धंधा में बराबरी का हिस्सा बढ़ जाता है। उसका श्रीवल्ली के साथ उसका लव एंगल चलता है, उसका दोस्त उसे 5,000-10,000 के साथ वह क्या घिनौना लव स्टोरी चला था आपने देखा होगा, जो कि काफी हेट भी मिला था लेकिन उसका स्वैग के सामने सब हेट चला गया था। वहीं पे श्रीवल्ली के साथ जो उसका लव एंगल होता है, तो उसके साथ अल्लू अर्जुन कुछ देर के बाद कुछ ज्यादा कमाई करने के बाद वह श्रीवल्ली से शादी करना चाहता है। जब जैसे ही शादी होता है तो अल्लू अर्जुन के जो पिता रहते रियल, उसका जो रियल बेटा रहता है वह क्या करता है, उसके यहाँ आके उसका जो जात पात का उसका बाप का नाम नहीं है तो वह थोड़ा मोड़ा हंगामा कर देता, उसके बाद वहाँ उसकी माँ को चोट लग जाता, तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाता। तो वहीं पे अल्लू अर्जुन का एक दिमाग में घुसता है कि उसको चाहिए तो पावर, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, तो वह पूरा पावर बनाने का आग वहीं से जुनून पैदा लेता है। उसका अंदर तो बचपन से जुनून था लेकिन वहां से जो उसके अंदर आग खोला था वह पूरा फिल्म में देखा होगा आपने क्या तबाही मचाया था। उसके बाद कोंडा रेड्डी के भाई जो रहते हैं जॉली रेड्डी, उसकी नज़र पड़ जाती है पुष्पा के जो प्रेमिका थे श्रीवल्ली, उस पर नज़र पड़ जाता है, उसे अपने गोदाम पर बुला लेता। तो श्रीवल्ली क्या करती है, पुष्पा से मदद लेती है और पुष्पा का तो लवर है, तो पुष्पा ने वह की लेवल की तबाही मचाया था, जॉली रेड्डी को अपाहिज कर दिया था और जॉली रेड्डी खुद से अपना बदला लेना चाहते थे, इसीलिए कोंडा रेड्डी के पास बात नहीं बोला था। लेकिन कोंडा रेड्डी को किसी तरह से पता चल जाता अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा तो। उसके बाद कोंडा रेड्डी क्या करता, पुष्पा को मराने के लिए एक जंगल ले जाता, वहाँ पे वह श्रीनू जो रहता है वह क्या करता अपना गैंग भेज देता, वहाँ पे कितना वर्ल्ड वार होता देखा होगा, वहाँ पे कोंडा रेड्डी मारा जाता और पुष्पा क्या करता कोंडा रेड्डी के भाई जो रहते बड़े भाई उसको बचा लेता है। वहाँ से पुष्पा एक अलग लेवल का आदमी बनता है, वहाँ से वह क्या करता है श्रीनू के जितने भी काम रहते हैं खुद में अपने आभार ले लेते हैं और जितना भी लकड़ी का धंधा रहता है खुद से जाके वह मंगल श्रीनू को बेचता है, जो कि बवाल काम करता है। वहां से जो फिल्म चलता है, फिल्म पूरा पहला पार्ट खत्म हो गया था, लेकिन वहां पे एंट्री होता है भंवर सिंह का, जो कि फरहाद फाजिल उस कैरेक्टर को प्ले किया था, जो कि इससे पहले फरहाद फाजिल से पहले विजय सेतुपति को यह रोल ऑफर किया गया था, विजय सेतुपति रहता था तबाही मचा था, लेकिन फरहाद फाजिल ने भी अच्छा रोल प्ले किया था। जो कि फरहाद फाजिल का जो कैरेक्टर है वह घूस लेता है लेकिन उसका भी एक अलग एटीट्यूड है। तो अल्लू अर्जुन के साथ वह पहले बड़ा ड्रामा हुआ वह हाथ वाला, उसके बाद अल्लू अर्जुन ने भी पूरा जो वह सीन था लास्ट वाला उसको न्यूड शूट करने वाले थे डायरेक्टर सुकुमार, लेकिन पता नहीं किस कारण से वह नहीं हो पाया। जो कि उसके बाद जो अल्लू अर्जुन का वो गोली वाला सीट था, तो उसका पूरा कपड़ा उतारता है तो बोलता है कि कुत्ता भी नहीं पहचानता बिना वर्दी का। तो अल्लू अर्जुन का जो ब्रांड था कि बोला था सबका खून एक रेसा रहता है, तो अल्लू अर्जुन बताना चाहता था कि किसी का जो उसका बाप वाला जो कहानी है तो वो बताना चाहता है सबका खून एक ही रहता है, वो मायने नहीं रखता, सबका अपना अपना पहचान मायने रखता है। तो अल्लू अर्जुन को तो बिना कपड़ा कभी सब पहचानता है लेकिन उसको बिना वर्दी के नहीं पहचानता। तो यही कहानी था पुष्पा पार्ट 1 का। पुष्पा 2 के ट्रेलर जहाँ तक देखे उसमें कहानी को इंटरनेशनल लेवल लेके चला गया, अल्लू अर्जुन का चाइना से डील किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा कहानी को बिल्ड किया गया उसमें। अल्लू अर्जुन का फिर अपना जो फैमिली एंगल है श्रीवल्ली के साथ वह भी दिखाया गया और लगता है कि श्रीवल्ली इस फिल्म में मर जाने वाली है, तो देखना तो श्रीवल्ली आती है पार्ट 3 में, क्योंकि पुष्पा पार्ट 3 भी कन्फर्म हो चुका जिसमें विजय देवरकोंडा कहा जाए विलन का रोल प्ले करने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, जल्दी ये पुष्पा पार्ट 2 का रिव्यू आपको इसी चैनल पे देखने मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।